छोड़ी। ममता बनर्जी ने अलग अलग पार्टियों को मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट करने के लिए यूनाइटेड इंडिया रैली का आयोजन किया, जिसमें शामिल विपक्ष के नेताओं ने पीएम मोदी और बीजेपी पर अपने अपने अंदाज में निशाना साधा। वहीं आज पीएम मोदी देश के दूसरे कोने गुजरात में है। पीएम ने गुजरात के हजीरा में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। उन्होंने लार्सन एंड टुब्रो के नए आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी का एक अलग अंदाज देखने को मिला। पीएम मोदी खुद एक K9 होवित्ज़र तोप पर सवार हुए। टैंक पर सवार अपने इस अंदाज को खुद पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। सोशल मीडिया पर लोग इसे ममता की यूनाइटेड इंडिया रैली के जवाब के तौर पर देख रहे हैं। पीएम मोदी ने सिलवासा में लोगों को संबोधित किया और विपक्ष की महारैली पर निशाना भी साधा। मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई से डरकर सब एक हो चुके हैं। और सीधा हम रुक कर लेते हैं इस वक्त अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ममता दीदी का बहुत बहुत बधाई देता हूं एक शानदार और ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। मैं अपने आप को अखिलेश जी ने जो अभी बातें कही हैं उनसे संबद्ध करता हूं, इसलिए उनको कोई रिपीट नहीं करूंगा। आज ये भी एक बात उठी अभी मीटिंग के बाद कि सब कुछ ठीक है, जनता इस समय देश की जो सरकार है उसको उठा के फेंकना चाहती है, उसके खिलाफ अपना मत देना चाहती है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जैसे पिछले इलेक्शंस में हुआ कि ईवीएम में खराबी करके, ईवीएम में मैनिपुलेशन करके और वोटों को बदलने की इनकी साजिश हो, जैसे कि पहले रह चुकी है। इसलिए उसके लिए भी हम लोगों को सजग रहना पड़ेगा और इसको लेकर के एक मत बन रहा है कि सभी पार्टियां मिलकर के और इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर के इस बात को उनके सामने रखेंगे और अपने ईवीएम में किस तरीके से पहले गड़बड़ी की गई है और आगे किस चीज तरह से उसको रोका जा सकता है, इसके संबंध में अपनी बात उनके सामने रखने का काम करेंगे। धन्यवाद। हम सबने सामूहिक रूप से ममता बनर्जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दी है आज एक ऐतिहासिक घटना के लिए। और इस मैदान में जो आज हुआ वो ऐतिहासिक है क्योंकि इतने व्यापक प्लेटफॉर्म पे इतनी विभिन्न पार्टियां और लीडर आना अपने आप में ऐतिहासिक है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि निकट भविष्य में इसी मैदान पे 2019 की विजय भी सेलिब्रेट की जाएगी। हमने कई मुद्दों पे बातचीत की, मुख्य बात थी कि जिस प्रकार से भारत की परिभाषा को बदला जा रहा है इतने कम समय में और जिस प्रकार से भारत की जो अस्मिता है उसको बदला जा रहा है, उससे बचाना आवश्यक है और उसी तरफ हम लोग सब जुटे हैं। मूल उद्देश्य एक ही है, यद्यपि अभी डिटेल्स वर्कआउट होने हैं, उद्देश्य यह है कि हर प्रदेश में, हर इलाके में बीजेपी के विरुद्ध एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा हो। और अगर ये उद्देश्य सिद्ध हो जाता है तो मैं समझता हूं कि विजय निश्चित रूप से हमारी होगी। बाकी कई और मुद्दे हैं जिनके बारे में निकट भविष्य में और दिल्ली में बात होगी, लेकिन ये एक शुरुआत है जिसकी गति, दिशा, मोमेंटम बना रहेगा और उसका बहुत प्रभाव देखेंगे आप निकट भविष्य में। एक और बात, जैसा मेरे मित्र मिश्रा जी ने कहा, देखिए समय बहुत कम है, नहीं तो हमारा सबका मानना है कि जब दुनिया भर में मुश्किल से 3-4 देश ऐसे हैं जहां पर इस मशीन का प्रयोग होता है तो क्यों ना भारत वापस पुराने सिस्टम में चला जाए, यानी फिजिकल बैलेट। कई देश ऐसे हैं विकसित जिन्होंने प्रयत्न करने के बाद बदला, 10-15 प्रदेश यूएसए के, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी ने ईवीएम शुरू करने के बाद निरस्त कर दिया। तो वैसे उद्देश्य हमारा है कि वापस फिजिकल बैलेट पे जाना, लेकिन चूंकि समय कम है, लेकिन चूंकि चुनाव अब लगभग 2 महीने दूर है, इसलिए कम से कम, न्यूनतम हमारी मांग होने वाली निकट भविष्य में कि हर मशीन में, जैसा कि वायदा हो चुका है उच्चतम न्यायालय में, 100% मशीनों में पेपर ट्रेल की व्यवस्था होनी चाहिए, वीवीपीएटी की,
जो कि चुनाव आयोग मान गया है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जब 100% मशीनों में ये प्रावधान है तो कम से कम 50% मशीनों में गिनती फिजिकल जो पेपर ट्रेल होता है उसके आधार में क्रॉस चेकिंग होनी चाहिए। वो 50% आप सैंपल आधार पर चुनिए, लेकिन 50% मशीनों में फिजिकल वेरिफिकेशन काउंटर चेकिंग अति आवश्यक है। ये हम सबका सामूहिक मत है और अगले हफ्ते से हम इस विषय में लिखेंगे, जाएंगे चुनाव आयोग के पास जाएंगे और देश भर को इससे अवगत करवाएंगे। और एक ऐसी मांग है जिसमें कोई मनाए होने का औचित्य नहीं, क्योंकि जब तक अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है तो फिर ये मांग क्यों नहीं मानेंगे। सिर्फ क्रॉस चेकिंग की मांग कर रहे हैं हम अभी। ए, हमारा अभी चाय का बाद हम लोगों ने जस्ट बैठे थे, बात कर रहे थे, तो एक क्लियर हुआ है सब मिलके, एक साथ में एक यूनानिमस क्लियर हुआ है कि हम लोग सतीश मिश्रा जी को, अखिलेश जी को, अरविंद जी को, अखिलेश को और अभिषेक सिंघवी जी को एक मिलके एक कमेटी